तो यार थंबनेल देख के तुम्हें पता चल ही गया होगा कि आज हम प्रोजेक्ट अराइवल खेलने वाले हैं। तो इस गेम का बीटा 14 को आया था एंड 16 को ये क्लोज हो जाएगा। तुम टैप टैप से इसको डाउनलोड करके खेल सकते हो। गेम का साइज अराउंड 4 GB है और तुमको कनाडा का VPN यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि अपने कंट्री के लिए नहीं आया हुआ ये। तो अब स्टार्ट करते वीडियो को और आज तुम्हें रेट करना भाई, तुम 10 में से कितने मार्क्स दोगे मेरी स्टोरी टेलिंग को, लेट्स सी। तो यार स्टोरी के स्टार्टिंग में हमको पता चलता है कि डॉक्टर हेलेन को अपने लैब के जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए पावर बैंक की जरूरत है और पावर बैंक लाने की जिम्मेदारी मुझे और मेरे पंटर दोस्त विल को दी गई थी। तो हम दो चमगादड़ों को पेल के इजीली पावर बैंक लेके आ जाते हैं। Disgusting. We have to be quick. The monsters in the woods will have heard the gunshots. तो पावर बैक ले जाते समय कुछ चमगादड़ पीछे पड़ जाते हैं। तो विल एक हैवी ड्राइवर है तो वो इस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेता है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यार लैब पहुंचने के बाद जो पावर बैक है वो मैं डॉक्टर हेलन को सौंप देता हूं और इसके बदले में मैं एक किस एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन वो मुझे नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, आगे ट्राई करेंगे। तो ये सब देख के भाई डॉक्टर हेलन खुश हो जाती है, जनरेटर फिर से ऑन हो जाता है एंड लैब में फिर से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। Thanks everyone for your hard work today. Rest up. Oh, and by the way, send Will my greetings. ग्रीटिंग्स गई भाड़ में। विल अपनी बाइक को ठीक कर रहा था तो मैंने सोचा रेस्ट करते हैं, लेकिन अपने नसीब में वो नहीं है यार, क्योंकि हेवन करके कोई जगह है जहाँ पे अटैक हो जाता है मॉन्स्टर का। तो हमको फिर से ड्यूटी दी जाती है उन मॉन्स्टर को हटाने की। तेरा मॉन्स्टर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे तो डॉक्टर हेलेन ने कहा कि तुम अपने पंटर दोस्त को लेके पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। तो मैं जाना तो नहीं चाहता था लेकिन गेम के हरामी नेचर की वजह से मुझे जाना पड़ा। Stay close to me. Looks like there's been an accident here. Hope it's not what I think it is. The hell is this? Whatever it is, fire! The elevator's on the third floor. It takes a while to get up here. तो यार एक चीज़ मुझे गेम की स्टार्टिंग से पसंद नहीं थी कि सभी के पास एकदम तगड़ी वाली बंदूक थी और मुझे ये होली वाली पिचकारी थमाई हुई थी। तो मैंने खुद से एक गन क्रिएट कर ली, मुझे पता था कोई मुझे देने वाला तो है नहीं कोई बड़ी बंदूक। तो यार तुम इस चीज़ के लिए मुझे अप्रिशिएट करो और अप्रिशिएशन के नाम पर तुम एक लाइक कर सकते हो। Monsters can't climb. तो
यार यहाँ पे फिर से सभी रीयूनाइट हो जाते हैं। डॉक्टर हेल ने बताती है कि कायला की लेग जख्मी हो चुके हैं, हम उसको पीछे नहीं छोड़ सकते। तो विल की फट जाती है, वो कहता नहीं नहीं हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो मजबूरन हमें भी इसके साथ जाना पड़ता है। तो यार ये घिनौना जीव मरने का नाम नहीं ले रहा था और अपना आर्मर भी ख़राब हो चुका था, तो जैसे तैसे मैं बच के निकल जाता हूँ। और जब आँख खुलती है तो मैं किसी एक जंगलों में पाया जाता हूँ। तो मुझे नहीं पता है गेम का कौन सा लॉजिक है, बट ठीक है यार जैसा है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मैन वर्सेस वाइल्ड का सर्वाइवल। तो यार यहाँ पे हमको अपनी नई दोस्त मिल जाती है जिसका नाम है एमा, और मैं फ्यूचर में इससे वही एक्सपेक्ट करूँगा जो कि मैं डॉक्टर हेलन से एक्सपेक्ट कर रहा था, यू नो व्हाट आई मीन। अगर गेम की बात करें तो गेम के ग्राफिक्स और विजुअल्स एकदम ज़बरदस्त है, जो वॉइस लाइन है वो एकदम परफेक्ट है, एंड ऑल्सो स्टोरी को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया वो एकदम मास्टरपीस लगी मुझे। तो तुम्हारे क्या ओपिनियन है तो मुझे बता सकते हो। आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, हो सकता है इसका सेकेंड पार्ट भी लेके आ जाऊँ। तो इसके बाद तुम थोड़े कुछ रैंडम क्लिप्स भी इंजॉय कर सकते हो विजुअल्स वगैरह के। तो वीडियो बताना कैसी लगी, और यार फील करो पावर ऑफ पॉजिटिविटी को, तो ऐसे इंजॉय करते रहो।